दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा करो, क्योंकि आजकल मैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत ज़्यादा प्रश्न ये भी पूछा गया है मेरे यूट्यूब पर और वेबिनार्स पर कि मार्च में अप्रोच कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सेंटेंस देने वाला हूं जिससे आप बहुत ज़्यादा अप्रोच भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ उस सेंटेंस की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। और एक और प्रश्न आता है कि हम मार्च में अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें या फिर सीधे अप्रोच करें, सीधे लोगों के पास चले जाएं, तो उसमें बेहतर क्या रहेगा, तो उसका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज हेड हमेशा आग रही है। दोस्तों मैं अमित जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर, सेल्स कोच, आप सभी का इस वीडियो में खूब खूब स्वागत करता हूं। और दोस्तों मार्च में ज़्यादा पॉलिसी लेना है तो उसके लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको लगने वाली है। एक है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, दूसरे नंबर पर डेयरिंग, और तीसरे नंबर पर वो सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, या उस जैसे सेंटेंस, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और मुझे लग रहा है कि अगर आपको मार्च का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो होना ही चाहिए, और आपके पास 100% होगी ही होगी, नहीं तो कम से कम अपने परिवार के जितने मोबाइल्स हैं, आपका मोबाइल साथ में सभी के मोबाइल्स को लेके बैठ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खोजिए उन मोबाइल पर किन किन को आप अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे डेयरिंग, कम से कम इस मार्च में आपको 500 लोगों को अप्रोच करना है, 500 लोगों को अप्रोच करना है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि डेयरिंग क्यों डेयरिंग? क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र ने नेगेटिव थिंकिंग का लाइसेंस ले रखा है। नेगेटिव थिंकिंग मतलब क्या? वो अप्रोच करने के पहले सोचते हैं इसके पास पहले से पॉलिसी होगी, इसको टैक्स नहीं लगने वाला होगा, ये मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के न जाने कितनी सोच वो अपने दिमाग में पैदा कर लेता है, नकारात्मक सोच पैदा कर लेता है, और उसके बाद वो अप्रोच ही नहीं कर पाता है। तो डेयरिंग चाहिएगी। इन सभी प्रश्नों को साइड में रख के आपको सिर्फ अप्रोच पे फोकस करना है। जो भी रिजल्ट होगा वो सामने वाला देगा, सामने वाले को सोचने दो, आप मत सोचो, आप तो केवल अप्रोच करो। और तीसरे नंबर पर वो सेंटेंस जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो बहुत ही सिंपल है कि दादा इस साल कितना टैक्स बनने वाला है, इस साल कितना टैक्स बनने वाला है। जिस भी व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हो उनसे मिलो और उनको प्रश्न पूछो कि दादा इस साल कितना टैक्स बनने वाला है। यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि दो जवाब आएंगे। पहला, या तो वो बता देगा कि 25,000, तो आप उससे बोल सकते हो कि मेरे पास एक बहुत अच्छा टैक्स सेविंग प्लान है। दूसरा, वो ये बोलता है कि नहीं मुझे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो फिर क्या करें? तो फिर पूछ लो प्रश्न एक और, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा बचा लिया है। तो यहां पर एक और तरीका पैदा हो गया आपको प्लान प्रेजेंटेशन पे कस्टमर को धकेलने का, क्योंकि इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? नहीं, नो। तो आप उनको बता सकते हो मेरे पास एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान है, सिर्फ 2-4 मिनट आपके चाहता हूं। तो इस तरह से भी आपको मैक्सिमम प्लान प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सी बार प्रश्न आता है कि हम कॉल करके अपॉइंटमेंट लें या सीधे अप्रोच कर लें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सीधे अप्रोच करो, घर के बाहर निकलो। बाहर बहुत से लोग हैं जिनसे आप लगातार ये प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रेजेंटेशन देने के अवसर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कॉल पे फोकस रहे कि कॉल ही कर लेंगे, तो फिर सामने वाला जैसे ही ना करता है, आप उनको रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ नहीं धकेल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है और वो बच के निकल जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करो। सुबह 8 से शाम को 8 तक लगातार मार्केट में रह के सभी प्रोस्पेक्ट को मिलने की कोशिश करो, देखना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपके होने वाले हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि सर हम रिटायरमेंट का बोल तो दें, लेकिन वो बोल देगा पैसा नहीं है, या ये नहीं है, या वो नहीं है, समय नहीं है, तो फिर क्या करें? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी मैं समझाने जा रहा हूँ हमारे मार्च पॉलिसी मास्टरी वेबिनार में, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा ऐसे ऐसे तरीके ताकि आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देने से कम न रोक पाए। और इसमें 5 सेल्स स्ट्रेटजी भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों सिर्फ 2 मार्च 2024 वो तारीख है जिस
21 दिन ही ये वेबिनार होगा और लास्ट बार होगा। तो अगर आप उस डेट के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वेबिनार को आप 100% ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आपको कॉल करके सीट बुक कराना है। और अगर ये डेट आप मिस कर चुके हैं तो प्लीज उसके बाद फिर कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये मार्च का लास्ट वेबिनार है जो सिर्फ 2 मार्च 2024 को ही होगा। और हाँ, इसके साथ एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स भी मिल रहा है। तो वो कौन सा कोर्स है जो 1000 रुपए का कीमत का है, तो वो भी अगर आप पता करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको क्या सेंटेंस दिया है याद करना, वो सेंटेंस है कि दादा इस साल मार्च में कितना टैक्स बनेगा। यहां से आप बात शुरू करो, क्योंकि अगर बात शुरू करना आ गया तो फिर पॉलिसी लेना भी आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से सेंटेंस पूछने वाले हो। कितने लोगों से कम इस मार्च में ये सेंटेंस पूछोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से तो मैं ये सेंटेंस पूछने ही वाला हूं। चाहे मैं मार्केट में कहीं निकलूं, कोई भी पहचान का मिलेगा, मैं पूछूंगा जरूर। अगर आपने बोला है तो मैं 100% पूछूंगा। तो ये सेंटेंस कितने लोगों से पूछने वाले हो ये कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ में शेयर सभी के साथ करना। न जाने कौन आपकी मदद का भी इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज एंड हमेशा रहिए।